जिस्म की कुंजी इस वक्त है कहां? राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष में। जी ने कहा था युद्धलिस्म की चाबी चंद्रकांता के कक्ष में होगी। पूरा कक्ष हमारा पर यहां तो है नहीं, क्या करूं? युद्धलिस्म की चाबी इस कक्ष में कहां रखी है ये अब मुझे खुद चंद्रकांता बताएगी। की कोशिश की या चीखी चिल्लाई तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा मैं। और जो मैं पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दे। वो चाबी कहां है? वो चाबी कहां है जो तुम यक्ष महल से लेकर आई है? बोल। कौन है तुम? चिल्ला मत। कौन सी चाबी? हम किसी चाबी के बारे में नहीं जानते। झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानता हूं कि तुम्हें उस चाबी के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, अब तुम वो चाबी खुद मुझे दोगी। चलो। देखो, अगर हमें कुछ हो गया तो तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, पर मैं तुम्हें मौत के आगोश में सुला सकता हूं। हमने कहा ना, हम नहीं चाहते। ऊंची आवाज पसंद नहीं है मुझे। बोलो, वो चाबी कहां है? बोलो। भला इसी में कि मुझे बताओ कि वो चाबी कहां है।
राजकुमारी जी यहाँ पे कोई नहीं है। बाहर जाकर देखो, महल से बाहर कोई जाने न पाए। मुख्य द्वार में सिपाहियों को चौकन्ना रहने बोलो। जाओ जी। ए कंबक, ये गौराम कैसा है? शिवदत्त ने हमला कर दिया है क्या? हुजूर, राजकुमारी चंद्रकांता के कमरे में कोई नकाबपोश घुस गया था। अल्लाह, हमारी राजकुमारी की सुरक्षा मुझसे ईंट से ईंट बजा डालेंगे कंबक की। सिपाहियों आओ, ये हमारी मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में, पकड़ो। राजकुमारी जी, हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लगता है वो हमें चकमा देकर भाग गया। चकमा देकर भाग गया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजकुमारी चंद्रकांता की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। राजकुमारी जी, या तो ये किसी सुरक्षा प्रबंधक की गलती है या फिर ये सुरक्षा व्यवस्था ही गलत है। वल्ला, राजकुमारी जी, शायद हमारे सेना नायक ये नहीं जानते कि इस महल में चिड़िया भी फड़फड़ाती हमारी मर्जी से। जहां तक रही उस नकाबपोश की बात, हमारा तो ये शक है कि वो जो कोई भी है वो यहीं इसी महल के अंदर है। ये देखिए राजकुमारी जी, ये है उस नकाबपोश का नकाब। आज तो ये नकाब हमारे हाथ में है राजकुमारी जी, कल उस नकाबपोश का असली चेहरा हमारे सामने होगा। वो नकाबपोश आखिर इधर आया क्यों और उसे किस चाबी की तलाश है? चाबी? इतना जरूर पता लग गया है कि वीरू कोई चाबी ढूंढ रहा है। कंबख्त, इस चाबी के बारे में तो नाज़िम और अहमद ने भी बताया था, पर राजकुमारी जी उन दोनों पे तो यकीन कर नहीं से रहे। क्रूर सिंह जी, आप किस सोच में पड़ गए? आप भी तो दे हमारे साथ यक्ष महल में। ऐसी कोई चाबी हमें मिली थी क्या? वो चाबी कहाँ है जो एक छोटे से बक्से में थी? चाबी नकाबपोश ने कहा था कि वो चाबी किसी बक्से में। किस बक्से की बात कर रहा था? कहीं वो उस बक्से की बात तो नहीं कर रहा था जो नौगढ़ के सैनिक ने हमारी अमानत समझ के हमें दे दिया था। वो बक्सा का हमारी बेइज्जती करती है, हमें चुनौती देती है। ईंट से ईंट बजा देंगे विजयगढ़ की हम। अगर की सेना को सूचना दो कि आक्रमण की तैयारी करें। लेकिन यह शिवदत्त, आप शायद भूल रहे हैं कि चाचा जी यानी महाराज सुरेंद्र सिंह ने आदेश दिया है कि नौगढ़ विजयगढ़ पर हमला नहीं करेगा। ऐसे में उनके आदेश का उल्लंघन कर रातों रात सेना को कूच का आदेश देना राजद्रोह होगा। भी नौगढ़ के युवराज हैं हम जयादित्य, और हमारे आदेश की नाफरमानी करना भी एक राजद्रोह है। राजद्रोह की सिर्फ एक सजा है और वो है मौत। युवराज, युवराज छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन जाने दीजिए ना,
ये तो हमारे अपने हैं, इनसे क्या बैर करना है? आप चंद्रकांता का गुस्सा इन पे क्यों उतार रहे हैं युवराज? जी भैया, मतलब युवराज, हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं। तो हमें सलाह देने के बजाय युद्ध की तैयारी करो। सभी सेनापतियों को उपस्थित होने का आदेश दो राजसभा में अभी। वहां महाराज स्वयं विजयगढ़ पर आक्रमण करने का आदेश देंगे। जाया से तेज सिंह कहां मर गया? ऐसे समय में वो कहां जा सकता है? युवराज, कल शाम से ही उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आता युवराज कि इस समय उससे इस बात से महत्वपूर्ण उनके लिए और क्या हो सकता है। पवित्र अग्नि, स्वामी भक्ति अय्यार का धर्म भी होता है और उसका धर्म संकट भी, खास करके तब जब उसका स्वामी अधर्मी हो। पाप हो गया मुझसे, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। जिस इंसान ने मुझे पिता के समान स्नेह दिया, जिस इंसान ने मुझे नया जीवन दिया, मैंने उसी इंसान के साथ विश्वासघात कर दिया। सुरेंद्र सिंह को धोखा दिया है मैंने, धोखा। एक अय्यार ने अपने स्वामी को धोखा दिया है। ए पवित्र अग्नि, जो कोई भी आपके स्पर्श में आता है आप उसका उद्धार कर देते, अपवित्र को भी पवित्र कर देते। मेरा भी उद्धार कर दीजिए। आप पाइए मुझे, इतना तो पाइए कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए मेरी शक्तियों को, ताकि मैं भविष्य में उनका दुरुपयोग ना कर सकूं। राजकुमारी जी बोल रहा। क्या हो रहा है? लाइए हमें दिखाइए। नकाबपोश इसी बक्से की बात कर रहा था, पर उसने तो कहा था कि इस बक्से में कोई चाबी है। ये तो किसी बड़ी इमारत का सूक्ष्म रूप लगता है। कहीं अय्यारी का कोई साजो सामान तो नहीं, या जादू टोना तो नहीं? सही में हमें इस मुसीबत से जल्द निजात पा लेना चाहिए। इसे कहीं दूर दूर फेंक देना चाहिए। क्रूर सिंह, बेवकूफी की ही सही, पर क्या बात की है तुमने, पूरे मेरे फायदे के। तुम इसे दूर फेंकवा दो, वहां से इसे मैं ले जाऊंगा। नहीं, ये बक्सा यहीं रहेगा, इसी तहखाने में। क्रूर सिंह जी, आप यहां की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दीजिए। और हाँ, यहाँ की चाबी आप हमें दे दीजिए, अब से वो हमारे पास रहेगी। राजकुमारी जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जानती हैं
विजयगढ़ पर इस समय जंग के बादल मंडरा रहे हैं, और ऐसे में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सेना की जिम्मेदारी होती है। ऊपर से ये बक्सा और कुंजी का मसला, वो भी नौगढ़ से जुड़ा हुआ। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि युवराज शिवदत्त आपसे बदले की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं राजकुमारी, ऐसे में इस महल की और राजघराने में रहने वाले सारे सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप मुझ पर सौंप दीजिए। सिंह क्या कर रहे हो तुम? मेरी साधना भंग की। राज शिवदत्त ने तुम्हारे लिए आदेश भेजा है तेज सिंह, और मैं युवराज का आदेश पालन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम तुरंत महाराज सुरेंद्र सिंह का रूप लेकर दरबार में जाओ और सेना को आदेश दो कि विजयगढ़ पे युद्ध करने के लिए कूच करें। युवराज के आदेशों का पालन करके मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप, पर अब और नहीं। छोटा मुंह बड़ी बात तेज सिंह, लेकिन कहीं ये पाप आप धोने के चक्कर में कहीं तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना ना पड़ जाए। सोच लो। पहले से ही विजयगढ़ पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और उसके ऊपर से नई मुसीबत, ये नकाबपोश चाबी की वजह से आपकी जान का दुश्मन बना बैठा है। हमें तो राजकुमारी जी की सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है, पर देखो चपला, राजकुमारी जी के चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं। हर जगह रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तुम लोगों को यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजकुमारी चंद्रकांता के शयन कक्ष के बाहर अब हम स्वयं सुरक्षा करेंगे। तुम लोग जा सकते हो। राजकुमारी चंद्रकांता। चंद्रकांता, चंद्रकांता,
आप ठीक तो है ना? जब हमारी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में, तो हमें क्या हो सकता है? राजकुमारी जी, आप ठीक तो है ना? अब समझ में आया तुम दोनों को कि हमें अपनी चिंता क्यों नहीं? क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए है ना वीर सिंह। देखा देखा रानी साहब, कितना बड़ा फूल था ये वीर सिंह। युद्ध के नाम पर हमसे तो इसने सुरक्षा प्रभारी का पद छीन दिया, और खुद देखिए सुरक्षा के नाम पर राजकुमारी के कितना करीब होने जा रहे। छी छी छी, इतना बड़ा पाखंडी है। माना कि हम इसके खिलाफ कुछ सबूत नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, पर हाँ हम इतना जरूर जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ ना, सब कुछ इस वीरू का किया था। तो फिर जब आप कुछ साबित कर पाओ तभी अपना मुंह खोलेगा, नहीं तो इस बार राजकुमारी चंद्रकांता आपको भी नहीं बख्शेंगी। और हाँ, इसे हमारा मशवरा नहीं, नसीहत समझिएगा। नसीहत तो हमने आपकी समझ ली रानी साहिबा, अब देखना तो यह है युवराज शिप्त राजकुमारी को बख्शते हैं या नहीं। पूरे फंसे यार, इससे अच्छा तो कारागार में थे, यहाँ तो बेमौत मारे जाएंगे। सच्ची भाई, ये सब उस वीरू की वजह से हुआ है, नरक में जाएगा वो, नरक में। चलो हो नारो, तुम दोनों की सजा का वक्त हो गया। तुम हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें फांसी की सजा मत दीजिए, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। बस तुम दोनों को अपने असली रूप में आना है, गधा बनना है तुम दोनों को, बनोगे ना गधे? हाँ मंजूर है हुजूर, आपका हुक्म तरह। ऊपर हमें यहाँ शिवदत्त की तैयारियों के बारे में खुफिया जानकारी हासिल करने भेजा है वीर सिंह ने, लेकिन कब तक हम ऐसे गधों की तरह गधे बने रहेंगे? अब हमें शिवदत्त की रणनीति को जानने के लिए दरबार के अंदर चलना चाहिए। अहमद नमक हराम, तू हमारे आदेश की अवहेलना करेगा? ये तुम्हारी आंखें इतनी हरी क्यों है? ये तुम्हारी गर्दन भी है, क्या करके आए हो तुम? बोलो, हम बताते हैं। वफा का रंग हरा होता है शिवदत्त, ठीक सुना तुमने, बदकिस्मती से शहर का रंग भी हरा ही होता है। तुम्हारी नजरें इतनी बेचैन क्यों है? इनमें ये चमक सिर्फ एक राजकुमारी के लिए एक सेना नायक की वफादारी की है या कुछ और?
कुछ कहना चाहते हो वीर सिंह? मैं राजकुमारी, मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। महल के चप्पे चप्पे पर सैनिक पहरा दे रहे, यहां तक कि आपके कक्ष के बाहर मैं खुद पहरा दूंगा। जानते हैं ये बहाना है तुम्हारा हमारे नजदीक रहने का। राजकुमारी जी, अब आप विश्राम कीजिए। शुभ रात्रि। साल खत्तारे की भूलो मत कि तुम एक अयार हो, तुम्हें हमारे साथ वफादार रहना चाहिए। तुम्हें इतनी बदतर मौत देंगे हम कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। आस्तीन के सांप तो तुम निकले और गद्दार बहादुर तेज सिंह को कह रहे हो। हमारी मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने। दलील, अपने पिता पर वार करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। अगर तेज सिंह जैसा वफादार और फर्मा बरदार ना होता तो शायद तुम अपने घटिया और नापाक मंसूबों में आज कामयाब हो ही गए होते। जिंदा नहीं बचेगा तू तेज सिंह हमसे आज। जिंदा, जिंदा। इनके सरों पर तलवारें लटकी हों और दूसरों के मौत का दावा नहीं किया करते। सेनापति अवतार सिंह। महाराज, गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। शास्त्रों के संगीन जुर्म में कठोर कारावास में डाल दो। युवराज बात मत लगाना, हमारे युवराज। और विजयगढ़ यह सूचना भिजवा दो कि अब हम उन पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। भाई अहमद, सच कहूं तो ये हमारे ही शुभ चरणों का प्रताप है कि ये युद्ध होता हुआ रुक गया। अंदर जाने की क्या तरकीब हो सकती है? पास होकर भी इतने दूर, क्या करें, कैसे बुलाएं? आप इस तरह चिल्ला क्यों रही?
राजकुमारी ये तो वो चला गया। ये खाओ, तुमने मरम नहीं लगाया। छोटा सा घाव है। इधर आओ, बैठो। मैं हम मरम लेकर आते हैं। राजकुमारी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने शरीर के प्रति इतनी लापरवाही ठीक नहीं। ये घाव बाद में तकलीफ देते हैं, तुम्हें मरहम लगा लेना चाहिए था। ये खाना बदोश का जख्म है राजकुमारी। वैसे भी आज तक मुझे किसी ने इस तरह से मरहम नहीं लगाया। तो फिर घाव भरते कैसे? बस अपनी मां के गले लग जाता हूं, जख्म भर जाते हैं। मां, सच कहते हो तुम। मां होती ऐसी, अपने बच्चों की तकलीफों को दामन में समेट कर भी मुस्कुराती। कहां है तुम्हारी मां? कैसी है वो? ये धरती ही मेरी मां है। जब कभी भी कोई जख्म लगता है, कोई चोट लगती है, तो मैं इन्हीं के गोद में सो जाता हूं। इन्हें अपने गले से लगा लेता, सारे जख्म मिट जाते हैं। कभी कभी दो लोग एक दूसरे को लंबे समय तक जानने के बाद भी एक दूसरे को जान नहीं पाते। एक पहेली से रखते हो तुम हमें, कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। बातें हो तो बताऊं, हमारी तो खामोशियां भी बिल्कुल तना है। तो क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं जिसे तुम अपने दिल की बात कर सको? अभी तक तो नहीं था, पर ना जाने अब ऐसा क्यों लगता है कि कोई है। तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगा। आज से पहले हमने इस तरह बैठकर कभी शांति से बात ही नहीं की, वरना यक्षमहल में तो बात बात में आप तुनक जाया करती थी। अच्छा, तुम तुनक मिजाज है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ, हम तुनक मिजाज है, और तुमने तो कभी यक्ष महल में हमसे बदतमीज से बात की ही नहीं है ना। अब मैं आपसे क्या कहूं। वैसे क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, मैंने आपको खामा खा। रात बहुत हो चुकी है राजकुमारी, आपको अब विश्राम करना चाहिए। घबराइएगा नहीं, मैं कक्ष के बाहर पहरा दे रहा हूं। शुभ रात्रि।
कैसी हरकत है सेनापति अवतार सिंह? इस गद्दार को गिरफ्तार कर कठोर कारावास में डालने का हुक्म दिया था हमने, तो फिर ये राजद्रोही हमारे दरबार में कैसे खड़ा है? यह हरकत अवतार सिंह की नहीं, बल्कि हमारी थी पिताजी। आपका तख्ता पलट करने की हमने सिर्फ साजिश ही नहीं रची, बल्कि हम उस साजिश में सफल भी हो गए हैं। बंदी बनाओ इन्हें, बरन रहे। महाराज तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमसे गुजर के जाना होगा। हमारे होते कोई महाराज का बाल भी फांका नहीं कर सकता। बहुत खूब जय सिंह, वफादारी निभाने के लिए तुम अपनी जान तक देने को तैयार हो, क्या बात है। लेकिन भूलो मत, तुम्हारी ये वफादारी किसी आदमी के प्रति नहीं है, तुम्हारी वफादारी राज सिंहासन के प्रति है। जानता हूं, और इसे महाराज की रक्षा कर रहा हूं। अरे तेज सिंह, हमारे पिताजी महाराज थे, लेकिन अब ये महाराज नहीं है। इस थे और है के बीच में अब हम आ गए हैं। तेज सिंह, तुम देख नहीं रहे हो, क्या हो गया आप सबको? महाराज के विरुद्ध विद्रोह में इनका साथ दे रहे हैं आप। ये जो कर रहे हैं उसे समझदारी कहते हैं तेज सिंह। इन्हें समझ में आ गया है कि किसका पलड़ा भारी है, कौन है नौगढ़ का नया महाराज। इन्हें सब समझ में आ गया है। महाराज शिवदत्त की जय हो। महाराज शिवदत्त की जय हो। बोलो महाराज शिवदत्त की जय हो। महाराज शिवदत्त की जय हो। जय हो महाराज शिवदत्त की जय हो। जय हो महाराज शिवदत्त की जय हो। महाराज शिवदत्त की जय हो। ये हमारे नाम की जय जयकार सुन रहे हो तुम तेज सिंह? हम हैं इस राज सिंहासन के स्वामी और तुम हो हमारे दास। तलवार नीचे रखो। हमने कहा तलवार नीचे रखो तेज सिंह। नौकर के महाराज शिवदत्त ने तुम्हें आदेश दिया है, तलवार नीचे रखो। अवतार सिंह, हमारे इन पूजनीय पिताजी को पूरे सम्मान के साथ कैद खाने तक पहुंचाओ। और साथ में इनके इस वफादार को भी ले जाओ। हमारे साथ गद्दारी की है, इसका ऐसा हश्र करेंगे हम कि इसकी रूह तक कांप उठेगी। लेके जाओ ना।
महाराज शिवदत्त की, महाराज शिवदत्त की, महाराज शिवदत्त की, महाराज शिवदत्त की। अब जब हमारी राह के सारे कांटे खत्म हो चुके हैं तो विजयगढ़ को तबाह करने से, उस चंद्रकांता को अपनी दासी बनाने से हमें कौन रोक सकता है।